PYQ फॉर IAS क्लास 12th एंड ICS क्लास 10th। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं और 2023 में इसकी क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, तो इसको लेकर मेन फोर पॉइंट पर आपको डिस्कस करने होंगे। पहला कि आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो देखते हैं और हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं CISE की, तो ISE में यह करीब 50-70% के बीच में वैरी करता है, कभी कभी 40% तक भी ISE में होता आया है, लेकिन ICSE क्लास 10th के लिए फिक्स्ड रेशियो है कि 50-55% और कभी कभी तो 60% तक क्वेश्चन लगभग सभी सब्जेक्ट में आते रहे हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए अब मील ऑफ बून है, या यू कह लीजिए बून है, जहां पर कि स्टूडेंट शॉर्ट समय में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के साथ द बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। पॉइंट यहां पर आता है कि स्टूडेंट करे तो क्या करे, इसके लिए आपको सबसे ऑथेंटिक बुक को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहां पर उस वाल गुरुकुल बुक्स के ओर से जो मुझे बताया गया और जो मैंने उनका आभार प्रकट किया क्योंकि उनसे अनुमति लेने के बाद उनके बुक को शेयर कर ले रहा हूं, यह बताता है कि ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12th के जो 10 इयर्स है, खास करके क्लास 12th के लिए या क्लास 10th के लिए, ये सबसे अच्छे हैं। आप इनको ISE के लिए और ICSE के लिए भी इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से ये सिलेक्शन करते हैं। एक अच्छा प्रीवियस ईयर बुक को परचेज कर लेंगे और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे क्लास 10th या क्लास 12th के लिए स्पेशली, क्योंकि शॉर्ट समय में यदि आपको द बेस्ट एवर प्रिपरेशन करना है तो PYQ से बेहतर कुछ नहीं है। अब ये PYQ हेल्प कैसे करता है, तो ISE क्लास 12th साइंस स्ट्रीम में यह करीब 50-60% के बीच में वैरी करता है। क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट बदल दिए जाते हैं या वर्ड का डायरेक्शन बदल दिया जाता है, यानी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट किया जाता है 2016 के बाद 18 में और 18 के बाद 20 में। ISE में यह देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 20% का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर रहा। 2022 एक एक्सेप्शन ईयर रहा जब आपको दो टर्म में बोर्ड एग्जामिनेशन बांटे गए, फिर भी जो सेमेस्टर 2 ISE के रहे वहां पर एक क्वेश्चन के परसेंटेज रहे हैं 45-65 के बीच में, यानी सबसे ज्यादा आपको क्लास 12th 2022 में पूछे गए क्वेश्चन। ICSE में जो रेशियो और डेटा मेरे पास अवेलेबल है और मैंने क्वेश्चन को एनालाइज करने के साथ कई लोगों से बातचीत किया, उसके बाद पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए 50% ऑन एन एवरेज फिक्स्ड मान लिया जाता है सभी सब्जेक्ट में, साइंस स्ट्रीम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको ये सबसे ज्यादा मददगार होते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में आपको टोपोग्राफी वहीं से रहते हैं, इसके अलावा फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगभग हर 2-3 साल पर चेंज होते हैं, इंग्लिश पेपर 1 और 2 ISE एंड ICSE के लिए तो एज इट इज है, बस उसके फॉर्मेट यानी कि वर्ड को चेंज कर दिया जाएगा और स्टूडेंट से जिस तरह से बातें की जाती है उसके मुताबिक होता है कि उन्हें चेंजिंग और शफलिंग के दौर में यह कहा जाता है कि आप आंसर को इस स्टाइल में दें, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, एनालिटिकल राइटिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सभी है जो PYQs के रिपीटेशन पर है। अब स्टूडेंट को सावधान रहने की जरूरत 2023 में PYQs को लेकर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, वर्ड के नेचर को बदला गया है, वर्ड का नेचर मतलब किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन करेंगे, आंसर का प्रेजेंटेशन स्टूडेंट को उनके अपने लैंग्वेज में करने के लिए कहा जाता है। पॉइंट यह है कि जितने भी आप आंसर देते हैं या स्टूडेंट के अप्रोच है उनमें मॉडर्निटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी, जिस तरह से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बदले गए हैं क्वेश्चन के आंसर को लेकर इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 हिस्ट्री सिविक्स और इसके बाद फिजिक्स में, तो वहां पर स्टूडेंट को एनालिटिकल अप्रोच रखने हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से आंसर दें। क्लास 12th में आपके डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टेप वाइज इवेल्युएशन मेथड के कारण स्टूडेंट को आंसर सभी बनाने हैं। पहले के समय में ज्यादा मेथड होते थे 2016 कि किसी भी स्टूडेंट या 18 के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, स्टेप लॉन्ग होते थे, लेकिन अब स्टेप को थोड़ा सा एब्रेविएट किया गया है, यानी कि स्टेप तो कम किया गया लेकिन उनके स्टेप के साथ जोड़ दिया गया है कि कहां से आप किन किन रूल के अनुसार आप स्टेप ले रहे हैं और उस हिसाब से आंसर को दे रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट को याद रखने के साथ यदि आप PYQs को बनाते हैं तो
उसमें आपके 100% मार्क्स है कि ये आंसर गारंटीड आपके आएंगे। अब आपके पास चॉइस है, आप कहीं भी बुक को चूज कर सकते हैं, लेकिन जो ओसवाल गुरुकुल का बुक होता है, जो 10 इयर्स मेरे पास आईएससी का है और आईसीएसई का भी है, तो उसे पता चलता है कि स्टूडेंट के नए अप्रोच के साथ पढ़ाई करने में मार्क्स आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बने रहिए और इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो स्टूडेंट फ्रेंडली के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।